नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। हमारी सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या खाते पीते हैं, और जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं उनकी शुद्धता और स्वच्छता के प्रति हम सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर इन त्योहारों के मौसम पर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में अब हमारे साथ हैं श्री देवाशीष उपाध्याय। नमस्कार देवाशीष जी, आप जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं हाथरस उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जो फेस्टिव सीजन है तो क्या इसमें ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है? जी हाँ, इसमें ज़्यादा अवेयर इसलिए क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ जाता है। हर आदमी फेस्टिव सीजन में कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ या मिठाइयाँ खाने की कोशिश करता है, जो कि हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई में कम ही अंतर आते हैं। तो इसमें जो मुनाफाखोर व्यापारी होते हैं या जिनको लालच होता है पैसे का, वो और चूँकि डिमांड को पूरा करने के लिए वो अपना जो है मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना शुरू करते हैं, और आम आदमी जल्दीबाजी में कुछ टेस्ट के लालच में और कुछ ये फॉर्मेलिटीज़ की एक परंपरा चली है, त्योहारों में मिठाइयाँ देनी है, वो खरीदना शुरू करते हैं और बिना जांचे परखे खरीदते हैं, जिससे मिलावटी खाद्य पदार्थ हमें मिल जाते हैं बाजार में और हम उसको खा के बीमार ही पड़ते हैं। पर किस तरह की मिलावट हो सकती है? मान लीजिए मिठाइयों की बात करें, सब्जी या फलों की बात करें, तो अभी तो त्योहारों का सीज़न जो चल रहा है, मिठाइयाँ जैसे आप खोवा खरीदते हैं या मिठाइयाँ जो आप खरीद रहे हैं बनी हुई, उसमें बहुत सारी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मिलावट से अलग चीज़ें ये भी हैं कि वो हफ्तों पहले बनाते हैं मिठाइयाँ। दीपावली के दिन बिकना है या दशहरे के दिन बिकना, तो हफ्ते पहले वो बना लिए और बेच रहे हैं, उसी तरह सड़ी गली वो पड़ी है, रखी है फ्रीजर में, रखी हुई है, कुछ ख़राब हो रही हैं, जो ख़राब हो रही हैं उनको फिर रिसाइकिल कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो फेंकेंगे नहीं इसमें। और जो खोआ है उसमें वो स्टार्च मिला के बेच रहे हैं और आपका रिफाइंड भी यूज कर ले रहे हैं, दूध से पहले वो क्रीम निकाल लेते हैं, जो खोआ में मिलावट जो ज़्यादा होती है उसमें पहले दूध वो क्रीम निकालते हैं, उसके बाद उसमें स्टार्च मिला देते हैं और रिफाइंड अलग बाहर से मिला देते हैं फैट वैल्यू बढ़ाने के लिए। जैसे हम घर, हम सोचते हैं कि हम जाके मार्केट से खोआ खरीद के लाए और हम अपने घर मिठाई बना लेंगे, तो उससे बढ़िया आप अपने घर दूध जला के बनाइए। अच्छा। अब आपको लगेगा कि खोआ को हम पहचाने कैसे, तो बहुत आसान तरीका है कि आप उसमें टिंचर आयोडीन डालिए, अगर उसमें नीला हो जाता है तो इसका मतलब खोआ में मिलावट हुई है। अच्छा। या आप उस खोए को हाथ पे रगड़ेंगे, उसमें अगर जरूरत से ज़्यादा फैट दिखाई दे रहा तो इसका मतलब उसमें रिफाइंड मिलाया गया है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये खोए में रिफाइंड मिला हुआ है या खोए में स्टार्च मिलाया गया है। तो इससे बचने के लिए अपने घर दूध खरीद के खुद जला के बना के। और सब्जी और फल में कई बार हमें बहुत रंगीन, बहुत ही चमकदार दिखते हैं, जैसे आप मार्केट में गए जो कि नेचुरल हो ही नहीं सकता, आपको लगेगा आकर्षण दिखाने के लिए चमकदार सब्जियां बेच रहे हैं, और होता क्या, जैसे किसान के यहाँ से सब्जी आई उसको मार्केट में, अभी आप एक हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि अदरक को तेजाब से वो साफ कर रहे थे, दिल्ली की न्यूज है, दिल्ली की खबर। तो इसमें वो क्या कि उसको अच्छा दिखाने के लिए उस तेजाब से साफ कर रहे हैं, क्योंकि उसको पानी से साफ करने में बढ़िया नहीं साफ होकर चमकेगा। तो आप अगर कुछ चीज नेचुरल आप देखते हैं, सोशल साइटों पर भी देखते हैं कि वो नाले में साफ कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स रहेंगे जिससे सब्जियां चमकने लगती हैं। तो अब चूंकि कुछ चीजें हमारी मजबूरी हैं, बिक वही रही हैं, तो आप कुछ और कर नहीं सकते। तो इसके लिए आप ये करिए कि कम से कम उसको लाइए तो आधे घंटे 15-20 मिनट उसको भिगो के रखिए जी, कि उससे उसके जो कलर्स हैं वो निकल जाए। और प्रयास ये करिए हमेशा कि मौसमी फल, जो हमारा मौसम चल रहा है या जो ताज़ा बिक रहा है उसको खरीदें आप। जी जी बिल्कुल, इस समय हम तस्वीरें देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप ताज़े फल ताज़े सब्जी खरीदें, लेकिन बहुत ज़्यादा रंगीन या चमकदार यदि आपको नज़र आए तो हो सकता है कि उसके ऊपर कोई पॉलिश की गई है, पेंट की गई है, बहुत सावधान रहना ज़रूरी है। और यदि आज खाद्य पदार्थ पर आप भी देवाशीष जी से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड, और नंबर रहेगा 23097532, 23097532। आज हम बातचीत कर रहे हैं फूड सेफ्टी पर। तो देवाशीष जी, जैसे जो आपका विभाग है जिला स्तर पर, आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, तो ये विभाग क्या काम करता है, कैसे आप पहचानते हैं कि मिलावट को रोक लग सके? 2006 में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लाया, जिसके अंतर्गत हर प्रदेश ने अपने अपने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा औसत प्रशासन डिपार्टमेंट बनाया है, जिसके तहत हर जिले में एक खाद्य सुरक्षा औसत प्रशासन विभाग का गठन किया गया, जिसमें जिला स्तर पर अधिकारी बनाए गए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाए गए, उनके ऊपर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उसके ऊपर जिला अभित अधिकारी बनाए गए। वो लोग जो है, हम लोगों का मेन जो काम है, सारे जितने भी खाद्य पदार्थ की दुकानें आप देखेंगे उनको लाइसेंस पहले प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी जाके रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करता है, दुकान पे जो भी कमियां दिखी, उनको भौतिक कमियां दिखी, जैसे उनके दुकान पे रैक नहीं है या साफ़ सफाई नहीं है, जाला नहीं लगाया है, या जो होटल वाले हैं वो उनके जो
रसोइयें हैं उन पे कैप नहीं लगाया है, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जो हेल्थ हाइजीनिक कंडीशन वो नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको एक नोटिस देते हैं कि आप इन चीज़ों को ये कमियाँ आप इनको सुधार लीजिए। यदि उसको नहीं सुधारते तो हम उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप, चूँकि लाइसेंस बिना लाइसेंस कोई खाद्य कारोबार करता काम नहीं कर सकता है, तो हम उनका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। तो वो जो है अपना फिर जो प्रॉपर वे में कर लेंगे, जो खाद्य सुरक्षा मानक के अनुरूप अपना जो बना लेंगे, तब वो चालू करेंगे। दूसरी चीज़, हमें वहाँ पर मौके पर हम निरीक्षण किए, अगर हमें लगा कि कुछ इनके मिलावटी खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं, तो हम उसका सैंपल लेते हैं। सैंपल चार पार्ट में लेते हैं, एक पार्ट व्यापारी का राइट होता है कि वो एक रिडेटेड लैब में भिजवाए, एक पार्ट हम राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में देते हैं, दो पार्ट हमारे ऑफिस में जमा किया जाता है। उसके बाद जो एक पार्ट जो हमने भेजा राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में, वहाँ पे रिपोर्ट होती है। तो उसके दो चीज़ें हों, या तो वो सैंपल पास हो जाएगा, तो पास हो गया तो कुछ नहीं हुआ, यदि सैंपल फेल हुआ तो सैंपल तीन तरह से फेल होते हैं, एक तो सब स्टैंडर्ड हुआ अधोमानक, दूसरा हुआ मिथ्याचार मिसब्रांडेड, तीसरा हुआ आपका अनसेफ असुरक्षित। तो यदि मान लीजिए अधोमानक क्या चीज़ है, जैसे आप दूध में पानी मिला दिया जी। तो जो मानक उसका होना चाहिए फैट या सैंडफ, वो मानक नहीं है। अधोमानक का मतलब यही, वो मानक नहीं पूरा कर रहा है, उसने पानी मिला दिया है तो वो अधोमानक हो गया। तो उस पर हम केस चलाते हैं, ADM सिटी कोर्ट में केस चलती है, जिसपे उसको पेनल्टी लगती है, अर्थदंड लगाया जाता है PFSI का जो एक्ट है उसके अनुसार। अगर मान लीजिए मिथ्याचार, जैसे कोई पैकेट आपने लिया उस पर मान लीजिए उसने बेस्ट बिफोर नहीं लिखा, या उसने एड्रेस नहीं लिखा, या ग्रीन सिंबल नहीं लगाया, या FSSI का लोगो नहीं लगाया, तो ये इस तरह का मतलब मिथ्याचार उसने किया, कुछ मतलब मिसब्रांडिंग कर दिया जो पैकिंग है, उस पर भी पेनल्टी लगाई जाती। एक और दूसरा जो सबसे ज़्यादा है, इंजीरियस टू हेल्थ अनसेफ असुरक्षित खाद्य पदार्थ है, उस पर वो उसको ACGM कोर्ट में मुकदमा चलता है, उसमें उसको सजा की जाती है, पेनल्टी दी जाती है, उसमें उसको अर्थदंड भी दिया जाएगा और कैद की भी सजा दी। तो जैसे मान लो पानी की आपने बात की, वो दूसरी कैटेगरी में था, लेकिन अगर दूध में यूरिया मिला दिया तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे यूरिया मिला दिया, या उसने आप मिठाइयों पे देखते होंगे कि सिल्वर पन्नी लगी रहती, उसमें सिल्वर पन्नी बजाय एल्युमिनियम की पन्नी लगा देते हैं, एल्युमिनियम फॉयल, वो भी अनसेफ है क्योंकि वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे कैंसर हो रहा है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, चर्चा वगैरह कि एल्युमिनियम की पन्नी, आप जो भी सिल्वर आप देखते होंगे, खूब अच्छी अच्छी चमकीली मिठाइयां बिक रही है मार्केट में, उसमें बहुत सारी संभावना ये होती है कि अगर आप बहुत सस्ती मिठाई ले रहे हैं उसमें एल्युमिनियम की पन्नी लगा दें, जो कि कैंसर जनक है, और बहुत आसान तरीका, आप उसको एक बार फॉयल को हाथ में उठा के रगड़ेंगे, यदि खत्म हो गया इसका मतलब चांदी की पन्नी है, और यदि नहीं खत्म हो रहा, टूट रहा है, तो उसका मतलब एल्युमिनियम की फाइल है। और चांदी की ठीक है, एल्युमिनियम की आप कह रहे हैं सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल, चांदी की फायदे सही है, लेकिन एल्युमिनियम की बिल्कुल हानिकारक है। अब चूंकि उसमें इतने बड़े पैमाने पे काम होता है कि आप प्रयास ये करिए कि आप बिना सिल्वर फॉयल की मिठाई खाएं, उस बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद भी नहीं है कि उसको खाना वो है, वो सिर्फ एक सोप पीस की चीज है जी। तो आपका विभाग तो कार्य कर रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो कंज्यूमर है वह सजग रहे। इस समय पहले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं देवाशीष जी। हेलो जी, सवाल पूछिए प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि ऑर्गेनिक खाद से जो फूड और जो वेजिटेबल्स है उनको हम उगाया जाता है, लेकिन उनमें जो उनकी चमक होती है वो अलग होती है, या फिर जो जिनमें पेस्टिसाइड यूज किया जाता है उनमें अलग चमक होती है, क्या उनको सिम्टम्स है कुछ ऐसा? जी सर, ये जो चमक अलग आ जाती है, ये चमक कैसे आती है, और उगाने के जो प्रक्रिया है, क्या वहाँ पर भी क्या केमिकल्स मिल जाते हैं उनसे? नहीं, उगाने में जैसे अभी चूंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और आदमी का पैदावार कम हो गई है, तो वहाँ पे खाद का यूज किया जा रहा है और कीटनाशक का बड़े पैमाने पर यूज जा रहा है, तो उगाते समय भी कीटनाशक और केमिकल्स का यूज किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। देखिए, कई चीज़ें हैं, आप जैसे कोई चीज़ फसल उग रही है उसमें रासायनिक खादों का बहुत बड़े पैमाने पर यूज, उसका साइड इफेक्ट उसमें आता है। अभी मैं एग्जाम्पल दूँ कि एक दूध, जैसे भैंस की दूध हम लोगों ने भेजा, पता चला उसमें यूरिया आ गया जी। तो उसने कहा साहब हमने मिलाया ही नहीं, तो बाद में पता चला जो यूरिया उसने घास में डाली वो घास भैंस ने खाई और भैंस के थ्रू वो यूरिया दूध में आ गया। तो आप, ये जाहिर सी बात है कि जो आप खाद यूज कर रहे हैं वो खाद जो भी आप फल सब्जी है उसमें पहुंच रही है, फिर उसको चूंकि वहां से यूज कर बना पैदा करते समय भी कीटनाशक यूज हो रहा है, फिर बाद में हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो जिस दिन कटी फसल आई उस दिन तो हमारे पास उपभोक्ता के पास आ नहीं रही, तो वहां से वहां तक आने में भी प्रिजर्वेटिव का यूज किया जा रहा है, उसके बाद मार्केट में आ गई, मान लीजिए दो तीन दिन वो नहीं बिकी तो वो उसको चमक लाने के लिए वो फिर केमिकल का यूज किया उन्होंने जी। तो इस पूरी प्रोसेस में ही केमिकल्स का यूज हो रहा है जी। हम जहर खा रहे हैं एक तरह से हम जी, बिल्कुल, और इसलिए बहुत सजग होना जरूरी है। लेकिन थोड़ा बताइए, एक तो आपने कहा कि हम उसे देखें, लेकिन हम मान लीजिए घर पे वो सामान ले भी आए तो घर में आप बता रहे थे जैसे गुनगुने पानी में डालें तो उसमें रंग निकलेगा, उससे पता लग सकता है? जी हाँ, उसको नहीं, आप कोई भी जो भी आप ला रहे हैं, रंग निकले या ना निकले, आप उसको आधा घंटा भिगो के रखें। अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स आपका मात्रा निकल जाएगी, जैसे वो फल पकाने के लिए भी
वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, आपका कच्चा आम थोड़ा या कच्चा केला थोड़ा और पका रहे हैं वो फल, तो आप उस बीच के दौरान भी जब वो पकाने के लिए एथिलीन या कार्बाइड या जो भी यूज कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, वो भी केमिकल्स का असर है। तो हम उसको आधा घंटा अगर भिगो देते हैं तो उससे क्या कि केमिकल्स कुछ हद तक निकल जाएंगे। जी, तो एक सोल्यूशन तो ये हुआ कि हम अगर बाजार से कुछ भी लाते हैं तो उसको आप अच्छे से धो जरूर लें, हमारी सेहत की बात है। इस समय पूनम जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। हेलो, हाँ जी जी, सवाल पूछिए पूनम जी। जी हेलो सर। जी सर नमस्ते सर, मुझे ये पूछना है कि जहाँ से मैं दूध लेकर आती हूँ, अपनी भैंसों की डेयरी रखते हैं जी, तो वो इंजेक्शन लगाते हैं और 5-10 मिनट बाद उनका दूध निकालते हैं जी। क्या वो दूध लेने से कुछ मतलब बीमारियां हो जाती हैं या फिर वो सही रहता है? जी कई बार वहाँ पर सब बोलते भी हैं कि भैया ऐसे मत लगाए करो, हमें नहीं चाहिए, क्या सर ये ठीक रहता है या नहीं? जी शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, ये जो भैंस से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो हार्मोन्स है कि उससे जो है उस दूध का सिक्रेशन बहुत तेजी से हो जाते हैं। आप प्रयास करिए, अवॉइड करिए कि वो दूध ना आप यूज करें, क्योंकि आपका और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको मजबूरी में लेना पड़ेगा, या प्रयास ये करिए कि बिना इंजेक्शन वाला उसका सिक्रेशन का असर जरूर दूध में आता है थोड़ा बहुत मात्रा में। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सजग रहना बहुत जरूरी है पूनम जी। तो यदि आपको लगता है और आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि वहां स्वच्छता नहीं है या इस तरह की बात है, तो हम शायद उस खाद्य पदार्थ को नहीं, अगर हम दूधिए से कहें, अगर हर आदमी लेना बंद कर दे उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो बिना इंजेक्शन का निकालेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ और बातें आपसे जानना चाहूंगा, हमारे पास 3 मिनट शेष पड़े हैं। आप बता रहे थे कि जैसे हम कई बार कोई खाने का सामान लेके आए और हमने अखबार में उसे पैक कर दिया, जी हाँ, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं, इस पे FSSAI ने बैन भी लगा दिया है कि लेड अखबार जो आपको स्याही होती है वो लेड की होती है। आप अमूमन घर में भी देखते हैं, आप रोटी लपेट लिए, इसी तरह प्लास्टिक के पाउच में आप गए चाय लेके आए या प्लास्टिक के गिलास में चाय पी रहे हैं, तो हीट होके प्लास्टिक की जो भी केमिकल्स हैं उस चाय में चली गई, या अखबार में हमने रोटी लपेटा तो भी, और अखबार की बात छोड़ दी, एल्युमिनियम फॉयल में भी आप रोटी लपेटते हैं तो उससे एल्युमिनियम जो कि गर्म हो जाती है रोटी से, उसका भी असर आता है। एल्युमिनियम फॉयल तो काफी प्रचलित है, बहुत प्रचलित है, और उस पर अवॉइड करना चाहिए। आप ये प्रयास करिए कि आप घरेलू साफ कपड़े धुल के सफेद कपड़े में रोटी रखिए, वो हालांकि आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन वो ज्यादा आपके लिए हेल्थफुल है। और आप देख रहे हैं रोज बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, पेट संबंधी बीमारियां हो रही हैं, गैस संबंधी बीमारियां हो रही हैं, और अगर आप थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां बरत लिए तो 60-70% बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी। चलते चलते कुछ और सावधानियां बताएं। एक तो आपने कहा कि कोई भी मैं सब्जी फल लाऊं जरूर धोऊं इससे पहले कि मैं खाऊं या उसको पकाऊं। आपने कहा अखबार का इस्तेमाल ना करें, एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल ना करें, और आप जैसे कोई भी पैकेज्ड आइटम खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे बड़ी चीज़ जो आप जैसे ब्रेड और दूध है, इसमें यूज बाय 3 चीज़ें लिखी रहती हैं, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यूज बाय डेट। यूज बाय डेट लोग कन्फ्यूज करते हैं, उसमें लिखा रहता है यूज बाय डेट, तो आज की तारीख अगर लिखी तो आज की तारीख बाद वो यूज नहीं कर सकते। दूध हुआ, मट्ठा हुआ, ब्रेड हुआ, इसमें हम देखेंगे यूज बाय डेट, जिस तारीख पे लिखा है उसी तारीख तक उसे यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए बाजार में मैं ब्रेड लेने गया और यूज बाय कल तक की तारीख थी, तो जो विक्रेता बेच रहा है उस पर भी आपका विभाग एक्शन ले सकता है? बिल्कुल एक्शन लेगा। आप अपनी शिकायतें खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग में करें, जिलाधिकारी को कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन दीजिए, उस पे कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है। जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं चलते चलते, क्योंकि हमारी सेहत का बात है तो विक्रेता से तो आग्रह है कि कोई भी ऐसा मिलावट ना करे, क्योंकि सबकी सेहत की बात है, लेकिन अंततः बात उपभोक्ता पे आती है। कंज्यूमर अगर सेहत के प्रति सजग हो गया देवाशीष जी, तो यहाँ बात बन जाएगी। जी, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा है, हेल्थ हमारा है, अगर हमें लापरवाही करेंगे तो दवाई हमी को करनी है, और जो विक्रेता है उसको तो अपना मुनाफा लेना है, वो अपना करेगा। इसलिए हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक रहें, और जागरूकता और सावधानी से बड़ी बीमारी से हम बच सकते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि एल्युमिनियम फॉइल जो मिठाई के ऊपर लगी है, यदि हम उसका सेवन करते हैं तो जीवन शैली की कई बीमारियां, कैंसर तक हमें हो सकती हैं। आप कोल्ड ड्रिंक, अब ठंडक का मौसम आ रहा है, देखिएगा मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक मिलेंगी। अच्छा। और लोग खरीदते हैं और पीते हैं, उसको देखते भी नहीं है। बिस्किट पे बेस्ट बिफोर लिखा है, 3 मंथ 6 मंथ बीत गया और हम खरीदे चुकी, दुकानदार वो खरीद चुका है, वो फेंकेगा नहीं, उसको 50 पैसे। कोल्ड ड्रिंक पे भी लिखा रहता है यूज्ड बाय, नहीं कोल्ड ड्रिंक पे बेस्ट बिफोर लिखा रहा, केवल पेरिशेबल जल्दी जो खत्म होता है उस पे यूज्ड बाय डेट रहता है, और बाकी जो चीजें आपकी हैं उस पे बेस्ट बिफोर लिखा रहेगा। तो आप एक बार थोड़ा सा मेहनत लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, बेस्ट बिफोर लिखा रहेगा, तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से बेस्ट बिफोर के बीच का टाइम आप जोड़ लीजिए, तभी उसका यूज सेवन करिए, और वरना आपको नुकसान करना ही करना है। जी बिल्कुल, त्योहारों का सीजन है तो हम तो यही चाहेंगे कि हम सभी की सेहत और अच्छी बने, और आज कैसे फूड सेफ्टी की ओर हम सभी जागरूक हों ये बताने के लिए देवाशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।